चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टफ भी है। ध्यान से समझना क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, जहाँ पे बच्चा ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू। सेम वे बी का दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमें गिवन है और ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, थ्री ए स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर। हमें जो गिवन है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे बच्चा, बहुत इजीली, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे a लिखा रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू। रैशनलाइज करना है तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो डिनोमेटर को, सेम वे न्यूमरेटर को। पर मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, तो रूट फाइव प्लस रूट टू सेम चीज़ हम न्यूमरेटर में भी लिख देंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बच्चा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी लगेगी, डिनोमीटर की बात हो रही है। तो रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए प्लस बी दो बार है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस टू रूट फाइव इंटू रूट टू प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा फाइव, रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा टू, अपॉन में लिख दिया थ्री। यहाँ पे लिखा रूट फाइव का स्क्वायर जो होगा फाइव, यहाँ पे होगा रूट फाइव इंटू रूट टू हो जाएगा टेन, और यहाँ पे टू एज इट इज़। और यहाँ पे हमने लिखा टू रूट टू का स्क्वायर जो हो जाएगा टू, टू प्लस फाइव जो हो जाएगा सेवन, टू रूट टेन डिवाइड बाई थ्री। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया ए का। अब सेम वे बी का हम करेंगे। तो बी में बच्चा ध्यान से, यहाँ पे लिया हुआ है रूट फाइव माइनस रूट टू और यहाँ पे रूट फाइव प्लस रूट टू। अब जो रैशनलाइज करना है, यहाँ माइनस था तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस है तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो चलो करेंगे, आइडेंटिटी हमें पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी है जिसको बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पे रूट फाइव माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल सॉल्व करेंगे, तो रूट फाइव माइनस रूट टू जिसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे हमें सिंपल ये जो है ना बच्चा सेम वही, लेकिन यहाँ माइनस की साइन। तो यहाँ पे हम सीधा स्टेप लिखते हैं, ये वाला सीधा, फाइव माइनस टू रूट टेन प्लस टू। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे तो हो जाएगा फाइव का स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ का ही होगा तो अपॉन में थ्री आ जाएगा। फाइनल स्टेप सेवन हो जाएगा, फाइव प्लस टू सेवन माइनस रूट टू, मतलब माइनस टू रूट टेन डिवाइड बाई थ्री। अब बच्चा इतना हो जाने के बाद अब जो स्टेप है, तीसरा स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीसरे स्टेप में क्या गिवन है ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा लंबा चौड़ा अब होगा लेकिन अब वैसे ही लिखते हैं, थ्री ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी माइनस थ्री बी स्क्वायर। अब एक में ही हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, थ्री का थ्री लिखा, यहाँ ए की जगह हम लिखेंगे सेवन प्लस टू रूट टेन। तो यहाँ पे हमने लिखा सेवन प्लस थ्री रूट सॉरी टू रूट टेन अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चा, थ्री का होल स्क्वायर, थ्री एंड यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। चलो आगे चलते हैं बच्चा, यहाँ पे प्लस फोर ए की जगह लिखेंगे वापिस सेवन प्लस टू रूट टेन और यहाँ पे होगा अपॉन में थ्री, क्लियर। थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है ना, हाँ बस अब सही है, डिवाइड बाय थ्री, ये सही है। और बी की जगह बच्चा, ये बी की जगह हम क्या लिखेंगे, सेवन माइनस टू रूट टेन अपॉन में थ्री। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमारा जो है माइनस लिखना है, माइनस थ्री और यहाँ पे वापस वही सेवन माइनस टू रूट टेन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। अब बच्चा ये स्टेप को हमें सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 है, तो हम कट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा 3 कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 × 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 3, ये पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे 7 + 2√10 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। आगे चलते हैं बच्चा, यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे सिंपल 4 एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा, पहला स्टेप ये ध्यान में रखना है। दूसरे स्टेप में बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना बच्चा 7 का, क्योंकि ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2√10 का भी होल स्क्वायर हम लिख देंगे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ बच्चा, माइनस की साइन है ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ पे लिख दिया 7 − 2√10 का होल स्क्वायर। ये स्टेप ख़त्म, अब ध्यान से समझना, इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अब हम करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 2√10, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये स्टेप में बच्चा सॉल्व कर ही देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए, 7 का स्क्वायर जो होगा ना बच्चा वो हो जाएगा 49, यहाँ पे कितना होगा 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 28√10, और यहाँ पे जब हम करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर 10, तो हो जाएगा 40, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40 और प्लस 3, क्लियर। अब ये जो है और सिंप्लीफाई करना हम चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे 49 + 40, तो 49 + 40 तो हो जाएगा हमारा 89, 89 + 28 = 28√10, तो यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 3। अब सेम चीज़ ये लास्ट वाले में भी होगा, लेकिन हम वो लिख रहे हैं, पहले ये स्टेप बीच वाला लिखना पड़ेगा, 4 का 4, 7 का स्क्वायर 49 बच्चा, और यहाँ पे हमने 40 ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, और अपॉन 9, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते, 4 49 में से 40 जाएगा, तो वो ये बचेगा 9, अपॉन में ही 9 9 9 कट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्लियर। ये स्टेप भी क्लियर, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ माइनस की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये एज इट इज़ लिखना है, 7 का स्क्वायर देखो −2 × 7 × 2√10 + 2√10 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 2
माइनस 28 रूट 10 प्लस 40। और यहाँ पे फाइनल आंसर जब लिखेंगे बच्चा, अब देखो ये लिखते हैं तो 49 की जगह हो जाएगा कितना, 89 माइनस 28 रूट 10 और अपॉन में जो 3 चल रहा है वो तो चलेगा ही। अब ध्यान से समझना बच्चा, ये जो हमें प्रूव करना है, 4 तो हमारा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, जो ऑलरेडी हो गया है तो 4 को अलग बिठा देते हैं और यहाँ पे 3 थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 89 प्लस 28 रूट 10 और यहाँ पे माइनस 89 माइनस 28 रूट 10 अपॉन में 3। अब ध्यान से समझना, 4 एज इट इज़, ये एलसीएम ले रहे तो ये 3 एंड 3 तो एज इट इज़ है ही, तो 89 प्लस 28 रूट 10 माइनस 89 प्लस 28 इंटू रूट 10। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, 89 तो ख़त्म हो गया, कट हो गया, तो 28 प्लस 28 तो 28 हमारा 28 तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 56 रूट 10 अपॉन 3। क्लियर, देखो हमारा आंसर भी आ गया शायद से, 56 अपॉन 3 इंटू रूट 10 और ये हमारा मेन पॉइंट क्लियर भी हो गया। तो बच्चा ये है सम, बहुत इजी, बस जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा मैं साइड में हट रहा हूँ, पहले यहाँ से आपको लिखना है तो यहाँ से पहले देख लो, पॉज करो, लिख दो। दूसरा जो है वो ये स्टेप यहाँ से जा रहा है, धीरे 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 स्टेप देखते जाओ, लिखते जाओ, प्रॉपर कर लो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।